तो क्या दोस्तों आपका भी मानना यही है, हमारे जो स्प्राउट्स हैं, हमारे अंकुरित अनाज जिन्हें हम कहते हैं, वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छे हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो आप इस वीडियो को देखने के बाद अपना कॉन्सेप्ट चेंज करने वाले हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखें। हम बात करेंगे, आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे कि पीपल इस पर क्या कहते हैं, जो लोग हैं इस पर क्या कहते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि आयुर्वेदा इस पर क्या कहता है। उसके बाद हम देखेंगे कि अगर आयुर्वेदा ये कहता है तो इसका साइंटिफिक रीज़न क्या है, अगर हमें खाने चाहिए तो। प्याज में जितना ज़्यादा उसका जो आल निकलती है, जो उसके ऊपर का हरा पत्ता निकलता है, जितना ज़्यादा निकलेगा उतना ज़्यादा वो अंदर से सड़ती जाएगी। आप उस प्याज को खोल के देखना, उसमें अच्छी खासी स्मेल आने लगेगी। ऐसा ही आलू में भी होता है। आलू के जितना ज़्यादा उसके किले निकलने लगेंगे, जितने ज़्यादा वो अंकुरित होने लगेगा बड़े बड़े आपके घर में, उतना ज़्यादा वो जो है सड़ने लगेगा। तो यही है इसमें जो साइंस कहता है कि अगर हमारे अनाज जो है अंकुरित होते हैं तो उसमें ईको नाम का एक वायरस होता है, जिसके वजह से वो जो अनाज है उसमें सड़ने लगता है। हमारा अंकुरित जो चना है, हम जो दाल ले रहे हैं, वो धीरे धीरे अंदर से सड़ने लगता है। ईको वायरस नहीं, कई तरह के बैक्टीरियाज होते हैं जो हमारे डाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा हमारे लिए खतरनाक होते हैं, जो हमारे डेंजरस होते हैं हमारे पेट के लिए, हमारे बॉडी के लिए। तो ये साइंस का कहना है। तो करें क्या, आपको क्यों है, फिर क्यों कहते हैं ऐसा लोग? तो हमने ज़्यादा से ज़्यादा यही जाना कि जितना ज़्यादा अगर आप उनको सही जैसा फूले हैं सुबह को उठकर उसको ऐसे ही खा लें तो ज़्यादा अच्छा है। जितने ज़्यादा उसमें से किले निकलेंगे उतना ज़्यादा वो वायरस, उतना ज़्यादा बैक्टीरिया उसमें आएगा और आपके जो सेहत है, आपके जो हेल्थ है, उसके लिए सबसे ज़्यादा वो डेंजर आपके लिए होगा। तो मैं तो यही कहूँगा कि फिजिकल एजुकेशनिस्ट की तरफ से आपको यही एक वो मिलता है मोटिव, यही एक आपको सलाह मिलती है कि आप जितना हो सके उसको रात को भिगोइए चने, और सुबह को आपको स्प्राउट्स जो मिलते हैं आपको फूले हुए, वही आपको खाने हैं। अगर आपने उसको किले निकाले खाते हैं तो आपके लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको हानिकारक या फिर वो लॉस में आपके डाइजेशन में दिक्कत करेगा, चाहे आप एथलीट ही क्यों ना हो। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही बताना चाहता था। अगली वीडियो में मैं आपको बहुत ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आपको बताता रहूँगा, साइंटिफिक प्रूफ आपके साथ मैं रखता रहूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही वीडियो लेने के लिए आप हमारे बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। थैंक यू।